मोहरत ट्रेडिंग के इस मौके पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ श्री राकेश झुंझुनवाला मौजूद हैं इस समय सीधे मुंबई से राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए आई एम मिसिंग द पूजा इन योर ऑफिस एवरी ईयर आई यूज टू कम बट दिस ईयर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो आपको आपको भी और सब को पूरे जी परिवार को सब हिंदुस्तानियों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सर कैसा लग रहा है आपको आने वाला जो संवत साल है वो पिछला साल तो काफी अच्छा रहा साल अच्छा ही रहना चाहिए सात हजार आठ सौ से दस हजार दो सौ तीन सौ है और बाजार स्क्रीन से तो वीकनेस नहीं दिखाता है लोगों को बहुत एप्रीशन है बाजार में कमिटमेंट है लेकिन मुझे लगता है कि जार, और ज्यादा कमिटमेंट की जगह है फंडामेंटली में को लगते है कि रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे हर क्वार्टर में इंडियन ग्रोथ इज गोइंग टू इंप्रूव तो मुझे ना कोई मंदी का कारण नहीं लगता है वो वो कहने के बाद दस सात हजार आठ सौ से नॉन स्टॉप दस हजार तीन सौ आया है कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है तो करेक्शन कभी भी आ सकता है बट इट विल बी अ करेक्शन नॉट अ रिवर्सल बिल्कुल और ये जो करेक्शन है उसमें भी एक्चुअली तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आएगी राकेश जी अब तो बोलना मुश्किल है कि लेना चाहिए बेचना चाहिए लगता खासकर जो एक पोस्ट जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट जो हमने देखा था उसमें थोड़ी बहुत कंसर्न थी बट मार्केट्स मार्केट्स एक्चुअली रिमेन वेरी वाइब्रेंट अब कितने सही या फिर राइटली प्लेस्ड थे ये जो कंसर्न्स थे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर इकोनॉमी के देखिए फर्स्ट क्वार्टर लास्ट लास्टर लास्ट क्वार्टर इस साल का फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ स्लो हुआ है लेकिन ये जीएसटी के इफेक्ट होने वाला ही था और जीएसटी अपन गवर्नमेंट डरती कि क्या होगा तो कभी जीएसटी ला नहीं सकती थी लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर आई थिंक इज मच बेटर देन द फर्स्ट क्वार्टर एंड द प्रोडिक्शन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर विल बी इवन बेटर और लोगों को थोड़ा क्या है कि सबको राम राम में या रोकड़े में धंधा करने की आदत थी अब वो चैलेंज हो रहा है तो ये चेंज से तो लोग एप्रीहेंसिव होंगे बट को लगता है थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज सुनाटर बिल्कुल सर भूमि तो यही है सर और एक चीज़ यह भी थी कि अब कुछ एक जो सेक्टर्स हैं भारत के उसकी अगर हम बात करें हम जैसे बैंकिंग है अब यहाँ पे एनपीएस को लेकर कंसर्न है आरबीआई ने कोशिश भी की ठीक करने की एन का मैकेनिज्म आया बट वी हैव नॉट रियली सीन मच हैपनिंग तो ये इस तरह के जो सेक्टर्स हैं अब जैसे पी एस यू बैंक्स हैं विल दे कंटिन्यू टू बी अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी एट दिस पॉइंट क्या लगता है आपको देखिए मैंने 2013 में बोला था कि एनपीए की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन अभी बहुत 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 दूर है मेरा लगता है कि अभी बहुत पास है hmm. और इससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्रेडिट कॉस्ट बैंकों की बहुत कम हो जाने वाली है तो मेरा लगता है पीएसओ बैंक्स की प्रॉब्लम 2019 एंड तक सॉल्व you कंप्लीट know, हो जानी चाहिए और मेरे को लगता है कि एनसीएलटी का प्रोसेस नया है

बहुत ज्यादा इंपैक्ट एक्चुअली हुआ नहीं है इंडेक्स पर या फिर मार्केट पर यू थिंक दिस दिस ट्रेंड ट्रेंड विल कंटिन्यू हेल्दी दैट वी हैव सीन इमर्जिंग देखिए जहां तक डोमेस्टिक रिपेयर की बात है मुझे लगता है कि अभी तो फ्लड भी नहीं हुआ है मुझे फ्लड होगा और फिर सुनामी आएगी एंड ये भी बहुत मेरे को लगता है पंद्रह बीस पच्चीस साल चलेगा अमेरिका में 1984-85 में 170 बिलियन डॉलर इक्विटी में था जो 9893-94 में 1.4 ट्रिलियन हो गया तो मेरे को भी लगता है नेक्स्ट एट टेन इयर्स में ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में होने वाला है। राकेश जी अभी कुछ दिनों पर आप सोचिए कि इन चाइना नाइन गोहेड चाइना में नाइन परसेंट ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटी थी अमेरिका में ट्वेंटी नाइन परसेंट इंडिया में फोर परसेंट

मेरे मेरे को मेरे को, लगते मेरे को लगते हैं लगता है इंडिया विल 10 ग्रोथ नॉट पर जिनसे हमने बात की खासकर फॉरेन फंड मैनेजर्स उनकी बड़ी कंसर्न थी कि मार्केट्स आर एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज श्रिंक होती जा रही है कम है वेरी स्ट्रेस्ड आपका व्यू क्या है बिकॉज अगर वाकई दस परसेंट को टॉप करना है जी डी पी को बाई ट्वेंटी ट्वेंटी तो देन आई मीन इट मीन देर बी प्लेटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड एज वेलोर्स देर विइट सर एक दो सेक्टर्स जो है मुझे लगता है

मेरे को लगता है फार्मागर ने बॉटम बनाया मेरे को लगता है फार्मा ने बॉटम बनाया है अब कितना रिकवर होगा और कौन सी कंपनी रिकवर करेगी वो समय ही बताएगा लेकिन सर कमिंग बैक टू दी अर्लियर एस्टिमेट जो आपने कहा कि शायद 10 परसेंट को भी टॉप कर सकता है जीडीपी बाय 2020 अगर हम उसी लिहाज से जाएं तो एक नया सब्सटेंशियल हाई भी मार्केट में जो कि दस के भी ऊपर बने आने वाले तीन चार सालों में इसकी उम्मीद रख सकते हैं उसी उम्मीद पे तो हम शेयर बाजार में हैं। राइट सर ऑल राइट सर चलिए बहुत बहुत चार साल में बहुत अच्छा गेन करेगा हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं उनसे बात करते हैं सीधे चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहाँ से हमारे साथ रमेश दमानी जी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं तो चलिए अब कुछ ही देर में मुहूर्त ट्रेडिंग भी शुरू होने वाला है लेकिन मोहूर्त ट्रेडिंग के पहले संकेत जिस तरह के हैं आज मार्केट्स के लिए उसे उसमें देखें एक अच्छी चीज़ जो आई थिंक राकेश झुंझुनवाला ने कही अभी हमसे बातचीत में वो यही थी कि ट्वेंटी ट्वेंटी तक इंडिया का जी डी की रफ्तार को भी क्रॉस कर सकता है और ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये होना है दस से ज़्यादा की रफ्तार जी में अगर देखने को मिलेगी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी आ, और साथ ही 2019 तक बैंकिंग में जो एन की प्रॉब्लम है वो अगर ख़त्म होने वाली है खासकर पीएसयू पी एस यू बैंक्स में तो ये पूरा स्पेस अपने आप में एक लीडर बनकर उभर सकता है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप में साबित हो सकती है तो आ, ये आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे था आ, जो आ, बात हुई उनसे उनका और साथ ही आ, कुछ और जो चीज़ें उन्होंने कही उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जीएसटी का जो मोमेंट्री इम्पैक्ट था वो क्यू में हमने देखा है लेकिन क्यू में रिकवरी देखने को मिल सकती है अब हमारे साथ और एक खास मेहमान हैं हमारे साथ रमेश दमानी जी जुड़े हैं आ, सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से उनसे बात करते हैं दमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की बधाई हो आपको आई एम मिसिंग सीइंग यू इन द रोटुंडा रिंग बट नेवरtheless थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मेरे आपको आपके दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दिवाली और संवत 2074 की एंड uh, जैसे पिछले साल अच्छा था शेयर बाजार वास्ते इन्वेस्टरों के लिए आई थिंक अगला साल भी बहुत उम्मीद करते हैं कितना ही अच्छा रहेगा अभी इनफैक्ट रमेश जी आप जुड़े उससे पहले हम राकेश झुंझुनवाला जी से बात कर रहे थे और उन्होंने तो बड़ा बुलिश व्यू दिया उन्होंने कहा कि हाँ जी बाय 2020 जीडीपी 10% को भी क्रॉस कर सकता है भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या भाई राकेश जी जो बोले वो सुनना ही पड़ता है क्योंकि वो इतने प्रथम खिलाड़ी हैं बाजार में तो मैं उन पे वो जो बोले उन पे गौर करूंगा बट मुझे लगता है 10% हो या 11% हो Uh, जो ट्रेजेक्ट्री इंडियन मार्केट की वो सही दिशा में है सही तरीके की है और अगर अच्छे ढूंढे अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करें इन्वेस्टर्स विल डू वेल हुँ. आपने दमानी जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही जो कहा कि जो आने वाला संवत साल है वो भी अच्छा लग रहा है दैट uh, मीन्स <coughs> uh, हम ये मान सकते हैं दैट द अर्निंग्स आर गोइंग टू और जो एक जीएसटी लेड स्लो डाउन था जो कि जीएसटी रोल आउट की, की वजह से आया था दैट इज बिहाइंड अस स्लो डाउन के काफ़ी कारण थे एंड यू आर राइट की द अर्निंग्स हैव टू इम्प्रूव बट आई थिंक वो क्या हुआ था जी एस सी डिमोटाइजेशन का हुआ तो अपने सबको मालूम है बट इंडिया में जो कैपैक्स जो हो रहा था वो भी शायद कम हो रहा था सो ऑल दिस परमिटिंग स्लो डाउन टू हैपन अब क्या बाजार क्यों बढ़ा इतना पंद्रह फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट इन लास्ट ईयर इज़ ड्यू टू द इनस लिक्विडिटी दस गशिंग इन टू द सिस्टम जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं They've been pouring money into the market and that's where the valuations are at an elevated level. But domestic investors are this. This is not a one-time thing that happened, not a mistake. He bought Socha, Samja, pachisal ke baad they finally have a romance with equity markets. So that will continue. But if earnings don't improve over the next six months, base effect next quarter we'll get to know that. So there will be a strong growth from a very relatively weak base. And also the effect of GST was now absorbed by the market. So I think last quarter of 2017-18, uh, we should see uh, good results from the market. Who can lead this, the earnings recovery, is. Damani? I think the some sectors are already doing well. For example, auto sector is doing well, cement is doing well, uh, OMCs, oil marketing companies are uh, doing well.

पार्ट्स में कर कर पूरी कंपनी को लेकिन उसे डाइवेस्ट किया जाए बी अ उससे हजार करोड़ का अब वो पैसे कहां से लाए अगर फिजिकल डेफिसिट को ब्रीच कर दें तो फॉरेन संस्था काफी नेगेटिव हो जाएगी थोड़ी बेच दे, देंगी बाजार को जो फिजिकल डिसिप्लिन इस गवर्नमेंट को क्रेडिट मिला है वो खत्म हो जाएगा

Uh, आपने कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज दिए थे जैसे अगर अगले आठ से दस साल का व्यू लेना हो देन वी नीड टू लुक एट सेक्टर्स आर एक्चुअली इन सनराइज कैटेगरी चाहे वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो ऑटोमेशन की नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनीज है yes. या फिर ऑटो इंडस्ट्री इट में जो ई e वेहीकल्स के स्पेस में ज्यादा एक्टिव हैं कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं ऐसी कंपनीज को देखना चाहिए आप कंफर्टेबल है वैल्यूएशन से इन स्पेस में Uh, मिर जो आप इंडिया की जो मार्केट देखें हैं द ग्रेट स्टॉक्स इन इंडिया है विन द कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स द सर्विस ओरिएंटेड स्टॉक्स इंडियन के मार्केट में पीपल इन्वेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ आर पावर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और नॉट बिकॉज ऑफ आर पावर्स इन यू नो एग्रीकल्चर कंपनीज बट बिकॉज ऑफ आर वन बिलियन कंज्यूमर्स देर आर स्लोली ग्रेजुएट द मिडिल क्लास द टिपिकल वेट इन्वेस्ट इन दैम वॉज बाइंग एफ एम सी जी कंपनीज विच हैव अ फेली शार्प इन वैल्यूएशन बट अगर आप देखिए नेक्स्ट टेन ईयर्स हाउ इंडिया विल बी यू कैन लुक एट कंपनीज लाइक जो गेमिंग कसिनो एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं लिकर बिजनेस में हैं एयरलाइन बिजनेस में हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में हैं आई थिंक दीज आर ऑड आई कॉल द सनराइज सेक्टर्स जो अभी बहुत काफ़ी सस्ते मार्केट कैप से मिल रहे हैं एंड इफ इंडिया प्रोग्रेसिस द वे वी थिंक आई थिंक दीज कंपनीज डू वेरी वेल नॉट ओनली फॉर मुहूर्त ऑफ टू थाउजेंड सेवेंटी फोर बट फॉर बियॉन्डट्सो अब एक प्रॉब्लम जो यू नो बिकॉज जो पैसा हमने एस आई पी में भी आते देखा है या फिर जो एक टिपिकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर की मैंटालिटी होती है छोटे इन्वेस्टर की अब हर कोई तो आपकी तरह गॉड गिफ्टेड होता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी लोकेट कर ले तो वो बेचारा इंडेक्स को देखता है या फिर जो तीन चार लीडर्स है इंडेक्स के उनको देखता है बीट रिलायंस एल एन टीज ऑफ द वर्ल्ड इन्फोसिस अब यहाँ थोड़ी इंडेक्स में न एक लीडरशिप क्राइसिस महसूस हो रही है इस समय एंड लार्जली द रैली हैज बीन लेड बाय स्टॉक्स लाइक रिलायंस आपको लगता है दैट ये इसमें कुछ रोटेशन होगा लीडरशिप चेंज होगी विद इन द इंडेक्स इट हैज बीन लेड बाय रिलायंस एज यू सेड फाइनेंशियल कंपनीज लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एनबीएफसीज ऑटो इंडस्ट्रीज लाइक मारुति इट हैज बीन लेड मेरे को ख्याल में जो ओएमसी सेक्टर है ऑन अ ईयर ईयर टू दो हजार चौहत्तर के लिए मुझे ठीक लगते हैं क्योंकि अर्निंग ग्रोथ है और काफी सस्ते हैं और डिविडेंड डील बहुत अच्छी है सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सेक्टर विद इन द निफ्टी टू लुक एट दमानी जी जो uh, uh, नए सेक्टर्स की हमने बात की जहां पर आपने कहा कि अभी भी परफॉर्मेंस अच्छा है कंज्यूमर ड्रिवन जो स्पेस है वहां पर uh, अब इसमें अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं बहुत सारी कंपनीज हैं नहीं लिस्टेड हालांकि पाइपलाइन आईपीओ की काफी लंबी है, बट ये जो कंपनीज इस समय जिन वैल्युएशंस पर अवेलेबल हैं, आप यहीं पर लेना चाहेंगे क्या इन कंपनीज को? I think so the you know the कंपनीज आई सजेस्टेड जैसे मैंने आपको गेमिंग इंडस्ट्री बताया था, hmm. फिर मैंने आपको समझ लो uh, you know QSR spirits इंडस्ट्री समझाया था, एयरलाइंस इंडस्ट in my opinion, they are fairly reasonable valuations, not in terms of earnings, but in terms of market cap. Opportunity के हिसाब से उनका market cap बहुत कम है, and I think investors should look three to five years ahead and buy these companies now, because these companies in the next five ten years could dominate their businesses. Compared to that, उनके market cap 2000, 4000, 5000 crore का है, and these are very serious businesses. तो मुझे वो ठीक लगते हैं। एक जो overhang है market पर अभी भी दमानी जी और इसे actually देखने के दो तरीके हैं अगर वाकई कोई स्टिमुलस uh, आता है नाउ यू नो देर इज अ व्यू कि अच्छा है अगर स्टिमुलस आता है देर इज अ रियलाइजेशन इन द नॉर्थ ब्लॉक कि जीएसटी के बाद डिस्ट्रप्शन हुआ है एंड वी नीड टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक एट द सेम टाइम द कॉन्ट्रेर व्यू इज़ कि स्टिमुलस आप दे रहे हैं इफेक्टिवली इट मीन्स दैट देर इज अ स्लो डाउन और जो डबल डिजिट ग्रोथ की हम बात करते हैं इट माइट एक्चुअली इवेट इंडिया फॉर कपल ऑफ ईयर्स आप इसमें से कौन सी थियोरी में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं इस समय आई थिंक वी मे नीड ए लोअर दैट बी स्टिमुलस इन द मार्केट बिकॉज आप देखिए जो चार चीज ड्राइव ग्रोथ है इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज एक्सपोर्ट इट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज प्राइवेट कंजम्पन अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी फाइव परसेंट ऑफ द लिमिट फॉर द ईयर एंड अनलेस द गवर्नमेंट हैज फ्रेश मनी स्टिमुलस नहीं कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स हैव बीन वेरी स्लो टू पिकअप बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल स्लगेज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है पीपल आर नॉट पुटिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन दैर सो प्राइवेट कंजम्प्शन इज वॉट मस्ट ड्राइव दिस इकोनॉमी। दैट इज द विंग दैट विल टेक एस फॉरवर्ड एंड आई थिंक थोड़ा अगर जॉब सिटुएशन इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी इकॉमी में बाई गेटिंग इंटरेस्ट रेट्स डाउन और गेटिंग स्पोरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी दमानी जी वो है सरकारी ओनली फ्रॉम एनपीए परसपेक्टिव इनका आप वैसे ही पार्टिसिपेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में देखिए एक तो वो भी काफी कम है इंडेक्स में वेटेज इनका कम होते जा रहा है दिन ब दिन एंड देर इज़ अ विजिबिलिटी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट कि पता नहीं कब रिवाइवल आएगा यहाँ पर एटलीस्ट जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें तो yeah. आ, अभी तक ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है इनफैक्ट प्राइवेट में भी अब आप, आपने देखा होगा एक्सिस बैंक के नंबर्स जिस तरह के थे एंटायर निफ्टी बैंक गॉट हैमर्ड उन नंबर्स के बाद ये पी एस यू बैंकिंग स्पेस और कितने समय तक किन मुश्किलों में रहेगा मुश्किल अमीर जी ये पी एस यू बैंकिंग से क्या यू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ एन पी एस एंड यू आर सॉल्विंग दैट बट जो बैलेंस शीट में होल हो गई हैं फॉर द राइट ऑफ देव डन दीज बैंक्स लिए पैसा चाहिए एंड इध इन द सिंपलेस्ट वे टू हैव दिस प्रॉब्लम इज टू प्राइवेटाइज दिस बैंक यू नो टू गिव इट टू प्राइवेट हैंड देम टेक केयर सो गवर्नमेंट बात तो करी है इसको रीप्राइवेटाइज करने की या रिकैपिटलाइज करने की वी विल सी वॉट सोल्यूशन टू बट अनलेस द गवर्नमेंट इज

तो ये अराउंड सो कॉल्ड इकोनॉमिक टर्न अराउंड आपको कहां पर होता दिख रहा है विद इन द लिस्टेड यूनिवर्स क्या वो फार्मा में हो रहा है uh, तो पीएसयू बैंक बताई दिया कि उसमें भी वक्त लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है स्पेशली इन मिड कैप्स या फिर टेलीकॉम hmm. में yeah, थोड़ा अनक्लियर है मैं भी थोड़ा अनक्लियर हूँ बट बेसिकली टेलीकॉम इज शोइंग सम क्लियर ऑफ रिवाइवल

आपने टेलीम में जैसे कहा कि वर्स्ट इज बिहाइंड अगर हम यू uh, नो you know, कुछ कंपनीज को देखें जैसे आइडिया है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन है मैं इन स्टॉक्स पर आपका व्यू नहीं पूछ रहा हूँ बट दे आर गोइंग थ्रूर्न एंड अ वेरी मेजर चर्न एंड इवन आई थिंक वी डोंट नो कि ये कहाँ जाकर रुकेगा सो so, इवेंचुअली ये जो कंसोलिडेशन होना है

दवानी जी आखिरी सवाल होगा आपसे आई ब्रेक इट इन टू वन इज अभी गुजरात yes, के इलेक्शन आने वाले हैं अब जी एस टी डी इस पर काफी डिबेट hmm. हुई स्लो डाउन की बात हुई अपोजिशन ने भी काफी अटैक किया इस पर यू थिंक मार्केट विल बी सेंसिटिव टवर्ड्स द रिजल्ट ऑफ गुजरात इलेक्शन एंड इट विल बिकम अ मेजर ट्रिगर फॉर मार्केट्स कि बीजेपी को कैसा मैंडेट मिलता है गुजरात में

तो वाइल इज डिफिकल्ट टू मेक अ फोरकास्ट, आई फील इन द फर्स्ट क्वार्टर मार्केट विल स्टिल सपोर्ट गुड लिक्विडिटी कमिंग टू द मार्केट एंड मार्केट विल रिमेन बॉइंट फॉर एटलीस्ट फर्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स ऑफ दिस ईयर। तो मतलब हम दस पंद्रह बीस परसेंट का सी ए जी आर अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द इंडेक्स स्टॉक्स माइट आउट परफॉर्म इवन हाइर स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में

अगर आप मुझे बोल पूछे मिहर जी मुझे रात को नींद किस कारण नहीं आती है शायद इस कारण सबसे ज़्यादा है कि जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है mm. ये शायद आप करेक्ट है मार्केट इज टू कॉम्प्लसेंट अबाउट दैट ये थोड़ा जियो पोलिटिकल टेंशन के लेके आई थिंक मार्केट थोड़ा कॉम्पलसेंट है सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर दैट दिस कैन हैपन ओवर नाइट एंड इफ दस मार्केट विल ओपन डाउन द गैप सो दैट इज आई थिंक द नंबर वन फ्यर दैट आई हेव राइट नाउ नॉट फेड रेजिंग रेट्स नॉट अबाउट अर्निंग्स बट अबाउट द जियो पोलिटिकल टेंशन बिल्कुल चलिए तो उम्मीद यही करते हैं कि जो पटाखे हैं वो दिवाली में ही फूटे और नॉर्थ कोरियन पेनिजुला में नहीं फूटे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेरी हैप्पी दिवाली यू सके थैंक यू सो मच